जालौर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता जालौर द्वारा भाजपा के द्वारा राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्र के खिलाफ कलेक्ट्रेट जालौर के सामने धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जालौर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान स्थितियों में राजस्थान की वर्तमान गहलोत सरकार को केंद्र सरकार गिराना चाहती है, जिसके खिलाफ हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ को सुनते हुए राष्ट्रपति इस पर संज्ञान ले। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्रवण सिंह राठौर, पूर्व सरकारी मुख्य उप सचेतक रतन देवासी, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, पने सिंह पोषाणा, सवाराम चौधरी, जिला महासचिव महेंद्र पाल सिंह चेकला, पूर्व जिला अध्यक्ष नैन सिंह राजपुरोहित सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के आगे धरना प्रदर्शन किया। खबर भारत वर्ष के लिए जालौर से विक्रम सैन की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।